أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to online classes of Al Munir High School e-learning system Class 5 आज हमारा unit number 2 है नाथ ठीक है unit number 2 है आज हमारा नाथ जिसकी हम reading करेंगे and then इसकी exercise complete करेंगे नाथ किसे कहते हैं सब students आप सबको पता होगा ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नात वो नज़म जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए ओके जी हम अपनी नात का आगाज़ करते हैं नात इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगाम हक सुनाया इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया अब शायर जो है वो इस नात में ये बता रहे हैं हमें कि इस नात में उस नबी की तारीफ़ की जा रही है जिसने हम सब को हक का पैगाम सुनाया है हक का पैगाम यानी कि सच का पैगाम जो है वो सुनाया है इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया और इंसान को जो है वो बताया कि इंसानियत क्या चीज़ है किस तरह से जो है हम अपनी ज़िंदगियां गुजारें कौन सा हमारे लिए सीधा रास्ता है कौन से ऐसे असूल हैं ऐसे तरीके हैं जो हमें मतलब इंसान बनाते हैं जो हमें पता चलता है जिनको अपना कर के हम ये सीधे रास्ते पर हैं ठीक है दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया यानी हमने दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है दुनिया की ज़िंदगी जो कि मतलब अबदी नहीं है आर्जी ज़िंदगी है उसको भी हमने किस तरह से गुजारना है और ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है इसका मकसद क्या है आप सबको पता है बेटा कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है तो लिहाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को दुनिया में रहने के तरीके सिखाए समझाए कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो गुजारनी है किस तरह से हम इस दुनिया में इज्जत वक़ार से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अकबर जिससे बेहतर वो राज भी बताया और वो राज भी बताया जिससे हमारी आकबत जो है वो संवर जाए जिससे हमारी जो अबदी ज़िंदगी है जो आखिरी ज़िंदगी है हमारी यानी कि मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है हमारी आकबत हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया कि हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कैसी कौन सी ज़िंदगी जो है वो अपना सकते हैं कि जिसके मुताबिक हमारी जो है बख्शिश हो सके ठीक है नूर इसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया अब इस दुनिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया ये जो दुनिया है ये इसकी तख्लीक़ का मकसद ही यही है ठीक है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक़ की गई ये सारी दुनिया और इसीलिए इस दुनिया में सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया गया और लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सबसे आखिर में आए यानी कि सब नबियों के आखिर में क्योंकि उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीजीन बनाना था ठीक है आखिरी नबी यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा उनका इतना बड़ा आला रुतबा है कि उनको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मतलब जो है नबियों का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया हर मोड़ पे जलाई शम्माए हदायत इसने जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया यानी कि जैसे ही मतलब अल्लाह ताला ने उनका नूर पैदा किया और वो हमारे आखिरी नबी हैं आप सबको पता है खातिमुन नबीजीन बनाकर भेजा अल्लाह ताला ने कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उसी नबी ने हमें शमा हदायत की हम हर मोड़ पर मतलब जलानी बताई है मीन्स के हर मोड़ पर हमारे लिए उन्होंने शमा हदायत जलाई हमें सीधा रास्ता दिखाया सीधे रास्ते पे चलने की हदायत दी और जो सीधा रास्ता है उसकी शमा जो है वो उन्होंने हमारे लिए जलाई यानी कि रोशनी हदायत हमारे लिए उन्होंने जो है हर मोड़ पे हदायत की रोशनी हमें बताई
जो हमारे लिए सीधा रास्ता था वो हर एक को बताया, एक एक को जो है सीधा रास्ता बताया, यानी कि इस्लाम की, दीन इस्लाम की जो है दावत दी, दीन इस्लाम की तबलीग की और हर एक को उस दीन के बारे में मुकम्मल आगाही दी। सेकंड है, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। फिर क्या है कि हर आदमी पे उन्होंने मेहनत का राज खोल दिया कि किस तरह से मेहनत करने से जो है इंसान कामयाब होता है, और जो गफलत में खोए हुए थे यानी कि अपने दीन से बेखबर थे उनको आकर जगाया। इसका मतलब यह है कि उनको दीन हक की शमा से रोशनास करवाया, उनको बताया कि दीन क्या है और हमें अपनी ज़िंदगियां किस तरह से गुजारनी है। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। यानी कि दुनिया में कुफ्र शर के जो है शोले भड़क रहे थे, इसका मतलब है कि हर तरफ जो है वो कुफर था, शिर्क था, नाउज़ुबिल्लाह जो उस वक़्त के लोग थे तमाम हज़ूर अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक करते थे, बुतों की पूजा करते थे, उन तमाम को जो है मतलब वो इसी आग, एक तरह से ये आग थी ना, कुफ्र की आग थी जिसमें वो तमाम जल रहे थे। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को आकर इस आग से बचाया, इस कुफ्र की, इस शिर्क की आग से बचाया। फैली जहां में हरसू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। और जब इन्होंने यानी हमारे खातिमुन नबीजीन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हर तरफ तौहीद की शमा रोशन की तो उससे मगरिब भी जगमगा उठा और मशरिक भी, ठीक है, यानी पूरी दुनिया को जो है तौहीद का यानी एक अल्लाह पर ईमान लाने के बारे में जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी तो उससे पूरी दुनिया जो है वो जगमगा उठी। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। अब महशर क्या है, इनका यानी जो हमारे शायर हैं उनका नेम में है, उनका पेन साइन है, ठीक है। तो दुनिया जो है वो अपने खुदा को भूली हुई थी, उन्होंने अपने आप का हवाला देकर बीच में कहा है कि महशर ये दुनिया जो है वो अपने खुदा को भूल चुकी थी और खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। लेकिन हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मखलूक को इसके खालिक के दर पर झुकाया, यानी कि उस अल्लाह से मांगना सिखाया, उस अल्लाह की इबादत करना सिखाई कि किस तरह से अपने अल्लाह को राज़ी किया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। सवाल है सबसे पहला, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस हस्ती का नूर पैदा फरमाया? जवाब में हम तहरीर करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल नंबर दो है, हमें सीधा रास्ता किसने दिखाया? इसका जवाब होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर तीन है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इस जहां में तौहीद की शुआएं कहां कहां जगमगाई? इसका जवाब तहरीर करते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इस जहान में तौहीद की शुआएं पूरी दुनिया में जगमगाई। सवाल नंबर चार है, दूसरे और पांचवें शेर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से राज खोले हैं? इसका जवाब तहरीर करते हैं दूसरे शेर में आखिरत को संवारने का राज बताया और पांचवें शेर में मेहनत करने का राज बताया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए शमाए हदायत कैसे बनी? इसका जवाब तहरीर करते हैं जिंदगी के हर मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की रहनुमाई फरमाई और सीधा रास्ता दिखाया। सवाल नंबर दो, हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर दो है, मुनासिब अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पुर कीजिए। इसमें है सबसे पहली लाइन में नात इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने डैश हक सुनाया, इसमें हम करेंगे पैगाम, पैगामे हक सुनाया, डैश हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया, इसमें हम लिखेंगे उकबा, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। थर्ड है बसमे जहां में लेकिन डैश में सबसे आया, इसमें आएगा बसमे जहां में लेकिन
आखिर में सबसे आया। नेक्स्ट है जो रास्ता था डैश एक एक को बताया, इसमें आएगा सीधा, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। लास्ट है शोले डैश रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। इसमें सबसे पहली लाइन है खालिक के दर पे, खालिक के दर पे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, उसने मखलूक को झुकाया। सेकंड है इंसान को उसने आकर, इसको हमने ज्वाइन करना है, उस आग से बचाया। नेक्स्ट है हर आदमी पे खोला, इसको हमने ज्वाइन करना है, मेहनत का राज उसने। फिर है दुनिया संवारने के, इसको हम करेंगे समझाए सब तरीके। फिर लास्ट है हर मोड़ पे जलाई, फिर है मेहनत का राज उसने, हर मोड़ पे जलाई शम्माए हदायत उसने, इसमें बेटा आएगा शम्माए हदायत उसने, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये काइंडली आप देख लीजिएगा, हर मोड़ पे जलाई शम्मा हदायत उसने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट हो गया है लास्ट, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेतरतीब मिसरों को तरतीब से खाली जगह में लिखें। हमारे पास बुक में है गाफिल जगाया सो आकर उन्हें जो रहे थे, आप इसमें लिखेंगे जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। अब सेकंड है हर सू फैली जहां में शुआएं तौहीद की, इसमें हम लिखेंगे फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, ये राइट करके लिख दिया हमने। अब थर्ड देखते हैं आखिर सबसे आया में लेकिन बज़्मे जहां में, इसको हमने राइट करके लिखना है बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। नेक्स्ट है जगमगाया मगरिब भी जगमगाया भी मशरिक, इसको हम करेंगे राइट करके हम क्या लिखेंगे मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। नेक्स्ट है दुनिया अपने भूली हुई खुदा को मैशर थी, इसको हम लिखेंगे भूली हुई कि दुनिया अपने खुदा को मैशर। उसके बाद लास्ट है इस आग से इंसान को आकर उसने बचाया, इसमें हमने राइट करना है इंसान को उसने आकर एक आग से बचाया। नेक्स्ट है अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए। सबसे पहला अल्फाज है हमारे पास लफ्ज है पैगाम, पैगाम का मीनिंग लिखेंगे जुबानी बात। नेक्स्ट है नूर, नूर का मानी है रोशनी। थर्ड हमारे पास लफ्ज है हदायत, हदायत का मानी है राह दिखाना। फोर्थ है राज, राज का मानी है पोशीदा बात। फिफ्थ है मैशर, मैशर का मीनिंग है मैदान हशर। अब लास्ट है हमारे पास इन अल्फाज के सादा जुमले बनाएं। सबसे पहला वर्ड है हक, इसको आपने जुमला बनाना है किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सेकंड है रास्ता, इसका जुमला बनाते हैं मेरे स्कूल का रास्ता आसान है। थर्ड है तरीका, तरीका लिखे देखते हैं हर काम तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट है शमा, मेरे दोस्त का नाम शमा है। और लास्ट है इसमें मेहनत, हम दिन रात मेहनत करते हैं। अब हमारे पास है स्टूडेंट सवाल नंबर 7, सफा नंबर 16 पे सवाल नंबर 7 है। इसमें मार्फा की इकसाम की 3-3 मिसालें तहरीर कीजिए। सबसे पहला है इसमें अल्म, इसमें अल्म में हम करते हैं इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। सेकंड पे लिखेंगे कायद आजम हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा हैं, ये इसमें अल्म में आ रहा है। ठीक है, और थर्ड में लिखेंगे सर सैयद अहमद खान एक फिलोसफर थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड है इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर की तीनों लाइन्स में लिखेंगे अहमद घर आया उसने घर आकर नमाज अदा की। सेकंड पे लिखेंगे कौसर बीमार थी लेकिन उसने घर का काम किया। थर्ड लिखेंगे हिना बहुत चलाक लड़की है उसने अपनी बहन का काम नहीं किया। अब नेक्स्ट है इसमें इशारा, इसमें इशारा की पहली एग्जांपल है वो जा रहा है। सेकंड में लिखें ये काम करती है और थर्ड में राइट करेंगे वो भाग रहा है।
उसके बाद है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल का सबसे पहला है वो जैसा करता है वो वैसा भरता है। सेकंड में करेंगे जिन्होंने काम किया है वो अपनी कॉपियां दिखाएं। और लास्ट आएगा जिसके पास पैसे हैं वो आगे आए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपका ये यूनिट नंबर 2 जो है नात, ये मुकम्मल हो गया है। बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज पे राइट कीजिएगा। स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।